brain. Wild brain. कौन हो तुम? मेरा नाम है ट्विस्ट. क्या ये थगलेट स्लग है? हाँ, उसे कंफ्यूज करो लोकी. तुम हमारी टीम में आ जाओ. आज तुमने दिखा दिया, अब तुम शेम गैंग में हो. हम सब एक परिवार. तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? क्योंकि वो मुझ पर यकीन करते हैं. पता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्लगटेरा एक्सप्रेस के आने से हमने स्लगटेरा को और खूबसूरत बना दिया है. सच कहो तो मैं भी यही मानता हूँ. मुझे लगता है यहाँ सामाजिक विकास की जरूरत है. वेटर, अच्छे बच्चे बनो और ऐसी ही लजीज और छोटी ब्रेड स्टिक्स ले आओ, ठीक है? जी क्यों नहीं सर, मैं बस अभी जाकर ले आता हूँ. पता नहीं मुझे सबसे ज्यादा किससे चिढ़ है, उन पैसेंजर्स से या इन कपड़ों से. अब छोड़ो भी ये गुस्सा, ये तुम्हारा ही प्लान था, याद है ना? मैंने मास्टर की ढूंढ ली है. तो फिर चलो करते हैं. क्या सब मुझे सुन सकते हैं? बेशक मियां, और हमेशा की तरह ना. मैं तैयार हूँ. सब कुछ तैयार है इलाई. तो ठीक है, चलो चलकर एक ट्रेन चुराते हैं. हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है, कल रात डॉक्टर ब्लैक काले पानी को अपने सुरक्षित अड्डे पर ले जा रहा है. ये आसान शिकार नहीं होगा. ब्लैक कोई चांस नहीं लेगा. हम बात कर रहे हैं आर्म गार्ड्स, प्राइवेट ट्रेन्स की और बाकी सब. हमने ब्लैक पर दो दिन पहले ही हमला किया था, वो पहले से तैयार नहीं बैठा होगा. ट्विस्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लैक अपने माल को ठिकाने लगा रहा होगा. तुम लोगों ने डेडवीट के खदान में उसके माल को लूटा था, पर अब भी उसके पास बहुत माल है. ट्विस्ट के सूत्रों के हिसाब से ब्लैक ने काला पानी अपने किले से हटाकर उस गुफा में अपने अड्डे में रखा होगा. उसकी कोई गलती नहीं है, मैं भी उस काले पानी से दूर ही रहती. यही मौका है दोस्तों, चलो ये काम पूरा करते हैं और ब्लैक का गूल्स का ये बिजनेस हमेशा के लिए बंद करते हैं. कॉर्ड, कॉर्ड, सुन रहे हो ना? सॉरी क्या हुआ? मैं प्लान बता रहा था. सॉरी, मैं अभी उस गूल के अड्डे में जो हुआ उसके बारे में सोच रहा हूँ. मुझे कुछ बातें हजम नहीं हो रही हैं. मैंने उनके सिक्योरिटी नेटवर्क को बंद किया, फिर ट्विस्ट अंदर गया और अचानक डायब्लोस वहाँ पर आ गया. सवाल ये है कि उसे कैसे पता चला कि हम वहाँ हैं? अब छोड़ो भी, इलाय को तुम्हारी मदद चाहिए. सही कहा, माफ करना दोस्त, चलो मिशन पर चलें. बाल बाल बच गए. शुक्रिया. ट्रेन की स्पीड बढ़ा दो, हमें बहुत काम करना है. आलसी कहीं के केव ट्रोन. वैसे तुम मुझे कॉर्ड बुला सकते हो. ट्विस्ट, उस डिब्बे को अलग कर दो. मैं तो रिफंड मांग कर रहूंगा. कहना पड़ेगा, इसमें बहुत जोखिम है इलाई, हमारे लिए भी. तुम्हारी जानकारी सही है ना ट्विस्ट? क्या लगता है तुम्हें? अगर मैं होता तो इस तरह का पागलपन कभी नहीं करता, पर अगर इलाई को लगता है कि हम ये कर सकते हैं और इससे डॉक्टर ब्लैक को नुकसान होगा तो हम ये जरूर करेंगे. तो ये हमारा टारगेट है. गोडाउन से 3 मील दूर एक एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें स्लगटेरा का सबसे कीमती माल है. मैं समझी नहीं, एक ट्रेन को चोरी करने से दूसरी कैसे चोरी होगी? जैसे एक तीर से दो शिकार होते हैं. मिस डायरेक्शन. हाँ हाँ बिल्कुल, हमने उन्हें चकमा दे दिया ना जी. बढ़िया, अब काम पर लगते हैं. लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, इस खटारे को ठीक करने में मेरी मदद करो. अब कोशिश करो.
इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। शायद मेरे ट्रेन में से कुछ मिले जो इसे ठीक करने में काम आए। वाह क्या बात है, मैं भी कब से गलत चाबी लगाकर ट्राई कर रहा था। ट्रिक्सी बोल रही हूँ, तुम्हारे पास 10 मिनट है, मैं वहीं आ रही हूँ। टाइम क्या हुआ है, तुम्हें तो 10 मिनट पहले यहाँ आना चाहिए था। हाँ माफ कर दो यार, ट्रेन में कुछ गड़बड़ थी। क्या तुम चाहते हो कि मैकेनिक इसे चेक करें? नहीं अब ठीक हो गया, इंजन में खराबी थी, अब सब कुछ ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? माफ करना हम लेट हो गए, एक पुरानी मशीन बीच में बंद पड़ गई थी। हमारा माल कहाँ है? माल? थोड़ा जल्दी चलो, ब्लैक चाहता है कि ये माल अड्डे पर जल्दी पहुंच जाए। अफसोस ये ट्रेन लेट होने वाली है। इसके पास टिकट नहीं थी। तुम्हें हमारे साथ देखकर खुशी हुई ट्रिक्सी। शुक्रिया, पर उन्हें अब तक पता चल गया होगा कि हमने इंजन बदल दिए हैं, हमें और तेज चलना चाहिए। फुल स्पीड कॉर्ड। अब सब कुछ प्रॉन्टो पर निर्भर करता है। दोस्तों मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्लान को कामयाब करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा होने वाला है जी। बढ़िया, तो चलो वहाँ वापस चलते हैं दोस्त। सिर्फ तब तक जब तक मैं इस प्लान में की मोल हूँ। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ज्यादा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ हुकुम का हिक्का। ये काम खत्म होने के बाद तो मेरे गली गली में मैंने कहा था ना मुझे फोन मत करना। बॉस को देखना था कि सब ठीक ठाक है। तुमने हमसे कुछ वादे जो किए हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, दोबारा फोन मत करना। वो कह रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है बॉस। ऐसा होगा तो उसके लिए ही अच्छा है। वो आ रहे हैं, अगर हम प्लान के हिसाब से चले तो कुछ नहीं होगा। वो दोस्त, अगर तुमने इमरजेंसी ब्रेक दबाया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो हमारे पास आ रहे हैं इलाय। बस चलते रहो कॉर्ड, हमें उनसे पीछा छुड़ाना होगा। बस पहुंच ही गए। अभी प्रॉन्टो। की बोल टू प्रॉन्टो, मिशन की बोल कामयाब हुआ जी। हम ये बिना तुम्हारे नहीं कर पाते ट्विस्ट। लेकिन ये प्लान तुम्हारा था। मेरा तो इसमें छोटा सा हिस्सा है, सबने मिलकर ये काम किया, यही तो एक परिवार करता है। रुको। क्यों? मेरा मतलब मैं जानता हूँ मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, पर ये सच है। नहीं, रुको, हमारी टक्कर होने वाली है। ब्रेक्स दबाओ। ये काम नहीं कर रही। मुझे लगा तुमने कहा था हम इसे आसानी से रोक पाएंगे। पर हम इतने तेज नहीं जाने वाले थे। प्रांतो तुम्हें बचाएगा। कुछ तो करो दोस्त, स्पीड कम करो। एक बार फिर से प्रांटो ने सबको बचा लिया। क्या हुआ कॉर्ड, हमें तो खुशी मनानी चाहिए। पता है जब हम उनके अड्डे पर थे तब डियाब्लोस को कैसे पता चला हम वहाँ हैं? कुछ वक्त पहले नहीं था, फिर अचानक वहाँ आ गया। अजीब बातें है ना,
गॉड मेरे दोस्त, हमने बहुत ही होशियारी से इस काम को अंजाम दिया है। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं एक इंजीनियर हूँ इलाय, मेरा काम ही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। देखो आज हमने छोटा काम बिल्कुल नहीं किया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ब्लैक का सारा माल। वो जब उस डॉक्टर को मेरे प्लान के बारे में पता चलेगा तो उसका मुंह देखने लायक होगा। वो मेरा नाम कभी नहीं भूलेगा। ओ हम साथ में तुम्हारा भी मियां, पर सबसे ज्यादा प्रॉन्टो। ये यहाँ कुछ दिनों तक सुरक्षित रहेगा, पर मुझे लगता है कहीं चलकर हमें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। मतलब हम यहाँ नहीं रुकेंगे? जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं और तभी वापस आएंगे जब हम सुरक्षित हों। डॉक्टर ब्लैक ने तुम्हें हेलो बोला है। सब कुछ एक जाल थी और हम इसमें फंस गए। पहले जान बचाओ, इल्जाम बाद में लगाएंगे। बाहर निकलो बच्चों, मैं तुम्हें जल्दी कोमा में पहुंचा दूंगा। ये तो मुझे छोड़ेगा इस नहीं ना। प्रांटो बड़े धीरे धीरे और आराम से जाना चाहता है जी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। ट्विस्ट के साथ जाकर कोई सेफ जगह ढूंढो, हम तुम्हें कवर करते हैं। हम उन्हें चौंका देंगे, फिर मिलकर उन पर हमला करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी ये तो मेरे पापा के हाइडआउट्स में से एक है। इलाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम उन्हें मिस करते हो ना? एक परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं होता ट्विस्ट। गॉड, गॉड, तुम किस ख्याल में खो गए? हम गलत थे, हमें इलाय तक पहुंचना ही होगा। मेरी बात सुनो, उस गूल के अड्डे पर कुछ तो गड़बड़ थी, वो लोकी था। टीवी पर लोकी को एक आम स्लग की तरह दिखना चाहिए था, ना कि एक गूल। वो सिर्फ इंसानों को झांसा दे सकता है, कैमरा को नहीं। और ऐसा हुआ क्योंकि वो एक गूल ही था जिसने हमें धोखा दिया। इसीलिए लोकी जैसा एक स्लग किसी का भी रूप ले सकता है। और उसने डॉग को क्यों नहीं चुना? डॉग तब तक किसी को ठीक कर सकता है जब उसे ब्लास्टर में डालकर कोई शूट करे, पर वो फिर भी पहचान सकता है कि लोकी एक गूल है। तो इसका मतलब है इलाय, ट्रिक्सी बोल रही हूँ, तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, वो ट्विस्ट है। इलाय क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने कहा कि ट्विस्ट ब्लैक के लिए काम करता है। क्या ये सच है? लगता है ये बात सच है। क्या बताना चाहोगे क्यों? मैंने अब तक सोचा नहीं है, ये शेन्स भी ना सब पहले से जान जाते हैं। तुमने सोचा कि तुम ब्लैक के काले पानी को यहाँ छिपा दोगे ताकि किसी को पता ना चले, और अब तुम्हारे साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है। ब्लास्टर को फेंक दो, फिर पीछे मुड़ो ताकि मैं तुम्हारी शक्ल देख सकूं। लोकी गूल है। मैं अकेला नहीं था जिसने तुम्हें उल्लू बनाया। मुझे ये कहना पड़ेगा ट्विस्ट, तुमने अपने स्लग्स को भी धोखा दिया है। तुम जानते हो अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आना चाहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मेरे पास जितने चाहे उतने गूल्स हैं। हमें उस सुरंग में किसी तरह जाना ही होगा। शायद मुझे उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं तोल मोल के बोलता हूँ ना जी। फायर!
एक शेन बिना ब्लास्टर के, कितनी बुरी बात है। हाँ, पर मेरे पास मेरे स्लग्स तो हैं। तुम्हें अब तक मेरे बारे में ये चीज जान लेनी चाहिए थी। मुझे हैंड टू हैंड लड़ाई में नहीं हरा सकते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डियाब्लोस है। उसे रास्ते से हटा दिया तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमें क्या है कि एक प्लान बनाना होगा जो बहुत ही चौंका देने वाला। और भागो, भागने का कोई प्लान नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ट्विस्ट? तुम मेरे लिए परिवार थे। परिवार? क्या शेन को इस शब्द का मतलब भी पता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा, जिनकी वजह से मैं अनाथ बना। बात बस कुछ स्लग्स की ही थी। हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। वो हमें अकेला छोड़ के जा सकते थे, पर उन्हें एक हीरो बनना था, तुम्हारी तरह। याद है पहले मैंने क्या कहा था? मिस डायरेक्शन के बारे में। हम उसे ऐसे नहीं हरा सकते। हार मत मानो मिया, मेलेनॉइड बॉम्ब से हम फिर से कोशिश कर सकते ना। पर वो तो एक झूठी कहानी है। पर अभी नहीं, मेरे तीन गिनने पर। एक, दो। भाई ठीक हूँ, तुम लोग मेरी टेंशन नकुलो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ ट्विस्ट। मैंने भी मेरे पापा को खोया है। तुम मेरे एहसास को नहीं समझ पाओगे। तो क्या ये सब बदले के लिए है? तुम भी ब्लैक की तरह बनना चाहते हो? मैं एक सर्वाइवर हूँ इलाई। पूरी जिंदगी मैंने देखा है सब धोखा ही देते हैं, इसीलिए मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ बस जीत ही जीत है। ये ताकत के बारे में है। ये तुम्हारे पापा और ब्लैक समझ चुके थे। तुम्हें तो सामना करने के लिए पहले मुझे चुनना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे चुनना पड़ेगा? वो कहाँ है? जाने दो कॉर्ड, लगता है वो चला गया। पर मेरे हिसाब से वो दोबारा वापस आएगा। चलो घर चलते हैं। तो तुम लोग बताओ रात को क्या खाएंगे जी? हाँ मुझे पता है, करेले का सूप तुम लोगों को बहुत पसंद है, या मिर्ची की सब्जी। ये, आज खाना होटल से मंगाएंगे। खाना तैयार है जी। इलाय, तुम ठीक तो हो दोस्त? क्या हुआ तुम्हें? तुम तो खाना भी नहीं खा रहे हो। और ये तो वो इंसेक्ट वाला डिश भी नहीं है जो प्रॉन्टो हमेशा बनाता रहता है, क्यों? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा। इलाय,
उसने हमें मारने की कोशिश की। बिल्कुल सही, प्रांटो के ज्यादा नियम नहीं है, पर जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता मैं उससे दूर ही रहता हूँ ना, लड़ाई दिमाग से भी हो सकती ना। बात ये है कि हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते, उसने हमारे साथ भी धोखा किया है शायद। पर मैं जानता हूँ ट्विस्ट में अच्छाई भी है, उसे बस ये समझना होगा कि वो अकेला नहीं है। उम्मीद है कि हम उसकी मदद कर सके इससे पहले बहुत देर हो जाए। तो इतना वक्त और पैसा बर्बाद करने के बाद भी तुम खाली हाथ वापस आ गए। शेन गैंग बच गई और वो इलाय शेन भी आजाद घूम रहा है। किए गए वादे के मुताबिक मैं उन्हें गुफा तक ले आया। मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए बच्चे, मुझे नतीजे चाहिए। और तुम्हें खुद के बचाव में कुछ कहना है? नहीं। फिर तुम मुझे और निराश नहीं करोगे, वापस जाओ जहाँ से आए थे। अपना वादा याद करो, हम दोबारा मिलेंगे ब्लैक। जहाँ तक तुम्हारी बात है, अच्छा काम किया। बदला लेने के लिए और कई मौके मिलेंगे ट्विस्ट, तुमने उस हालात में जो भी किया वो अच्छा किया। अब मुझे इलाय शेन और उसके साथियों के सारे राज पता है। कहना पड़ेगा ये एक नई शुरुआत है। ओ ट्विस्ट, तुमने आज देखा जो मुझे निराश करते हैं उसकी क्या असर होती है। मेरी मानो तो उसकी आदत मत डालना। जल्द आ रही है इस साल की सबसे बड़ी मूवी अटैक ऑफ द 50-foot स्लग। ये पॉपकॉर्न उठा उठा के चलना बहुत ही मुश्किल काम है जी। वैसे मैं लक्की हूँ कि मेरे पास टाइम पास के लिए पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न ना हो तो मूवी देखने का मजा नहीं आता। मजाक कर रहे हो कॉर्ड, ये जगह तो कमाल की है। बिल्कुल सही, जायंट स्क्रीन, जबरदस्त साउंड, स्नो डांस गुफा की बात ही कुछ और है। यहाँ आइस मॉन्स्टर्स भी हैं। आइस मॉन्स्टर्स, वो क्या है? वो मॉन्स्टर्स जो बर्फ का गोला बनाते हैं? आइस मॉन्स्टर्स मांसाहारी प्राणी होते हैं जो ग्लेशियर में रहते हैं। ओ अच्छा, तुम्हारी बात सुनकर तो मैं डर गया। फिक्र मत करो, ठंडियाँ चल रही हैं, वो कहीं सो रहे होंगे। मैं आ गया। आखिरकार सफर कितना भी लंबा हो, पर देखा इस वाहन प्रांतों ने अपनी मेहनत से ये सफर को कितना आसान बना दिया। क्या करता, सफर इतना लंबा था ना कि चलते चलते मैं थक गया और ये सारे पॉपकॉर्न अकेले ही खा गया। अगर तुमने मुझे अभी पॉपकॉर्न लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ओ नहीं भैया, तुम तो इससे वापस ही नहीं आ पाओगे। सिर्फ एक मेलनॉइड ही उस लंबे और कठिन सफर को पूरा कर सकता है जी। मूवी शुरू हो रही है। तो हम मिल ही गए, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। और मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे पास सिर्फ एक स्लग है या फिर दो। ओह, कुछ भी, तुम ब्लास्टर को इस तरह नहीं पकड़ सकते, इससे निशाना चूक जाएगा। तुम मैक्स जैक्सन को सिखाओगे कि ब्लास्टर कैसे पकड़ते हैं? वो सबसे बड़ा मूवी स्टार है और कहते हैं कि डायरेक्टर्स कभी भी उससे वैसे एक्टिंग नहीं करवा सकते जैसे वो चाहते हैं। उम्मीद है तुम कर पाओगी। हाँ, वैसे इतने बड़े स्टार के साथ काम करना और स्लगनेट के लिए वीडियो बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। पर कहीं तो किसी दिन मेरी शूट की गई मूवी भी उस जायंट स्क्रीन पर आएगी। साइड में हो जाओ, मुझे दिख नहीं रहा। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपना मैका खड़ा कर सकता हूँ और मैं वही खड़ा करूँगा जहाँ तुम हो। हे शांत हो जाओ, मुझे मूवी देखने दो। क्या हूला गैंग? शेन गैंग? ओह, लगता है हम दोनों में से कोई एक ही बचकर जाएगा।
देखो बिली, हम बस यहाँ मूवी देखने आए हैं। मैं लड़कर मूवी का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो क्यों ना कुछ और गेम खेलें? इस लड़ाई की फिल्म जरूर उतारना कैमरा वाली लड़की। मैं चाहता हूँ कि सब जाने कि हुला गैंग ने शेन गैंग को कैसे हरा दिया। बिली, हम यहाँ लड़ नहीं सकते, किसी को चोट लग सकती है। किसी को मतलब तुम्हें? अरे वाह, मुझे लगता है कि मैं पिक्चर की अच्छी अच्छी चीजें मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम्हारी वजह से डॉक्टर ब्लैक ने हमें काम से निकाल दिया था। तुम्हें उसके साथ काम करना ही नहीं चाहिए। कोड। थैंक्स। तुम बचोगे नहीं जैक्सन। तुम नहीं बचोगे शेन। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? उन दरारों को देखो, अगर ये छत टूट गई तो हम इस बर्फ के पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। इलाज अब तुम गए काम से शेन। रुको, हमें बाहर चलकर लड़ना होगा बिली। अगर वो बर्फ की दीवार गिर गई तो हम उसके नीचे दब जाएंगे। मैंने कहा था जब तक मैं नहीं जीतता तब तक नहीं रुकूंगा। अब अगर तुम सरेंडर करते हो तो ठीक है। रुको, ठीक है ठीक है, मैं हार मानता हूँ। लड़ाई खत्म, ठीक है? तुम जीत गए, गोली मत चलाओ। देखा तुमने, मैं जीत गया, मैंने शेन गैंग को हरा दिया। तुमने सुना नहीं कि इलाई ने क्या कहा? बिल्कुल सुना मैंने, उसने कहा मैं हार गया। इलाई, हमें शांत हो जाना चाहिए। उस दीवार की दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे छत हम पर कभी भी गिर सकती है। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि। मुझे लगता है तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गया हूँ। लगता है उनके सोने का वक्त खत्म हुआ। तो भैया, मैंने क्या क्या मिस किया? प्रांतो! मुझे पता है यहाँ का सराउंड साउंड लाजवाब है, पर मुझे किसने बताया नहीं कि यहाँ के एक्टर को सुन भी सकते हैं, और इसके स्पेशल इफेक्ट्स तो लाजवाब है ना, वो भी बिना चश्मे के। कोलो भाई, बचाओ मुझे, तुम दबाके भागो भैया। नहीं दोस्तों, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुमने सही कहा, भागने में ही भलाई होगी। ए तुम, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। लगता है उसे मैक्स जैक्सन की एक्टिंग पसंद नहीं आई। चलो जल्दी आ जाओ, लड़ो मुझसे। इस मूवी को क्या हुआ? हे मैन, पिक्चर खत्म हो गया है, जल्दी से जल्दी बाहर निकलो तुम लोग। हाँ हाँ, जल्दी करो, तुम लोग आखिरी हो, बात को समझो। नहीं समझे ना? शायद अभी रिफंड मिलना चाहिए मियां। चलो जल्दी, अभी तो हिसाब बाकी है। तुम कोई बात को छोड़ नहीं सकते? मैं बात छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक वजह से तुम्हारे पास आया हूँ, ये मुझे दे दो। hey! तुम्हारे पास सबूत है कि मेरी गैंग शेन गैंग से बेहतर है। जब मैं वो वीडियो स्लगनेट पर चलाऊंगा तब सबको पता चल जाएगा। इलाई ने लोगों को बचाने के लिए द्वंद्व युद्ध करना छोड़ दिया। आओ, और अब उसे देखो, एक बेकसूर को बचा रहा है और तुम फ्लॉपर स्लग की तरह तमाशा देख रहे हो। तुम बस मेरी फिल्म उतारती रहना, मैं दिखा दूंगा कि मैं उससे बेहतर हूँ। अब हम क्या करें, स्लग के हिट करने से वो बड़ा होता जा रहा है। तो हमें होशियारी दिखानी होगी। हाँ,
अच्छी खबर है, हमें पता चल गया सिर्फ स्लग मारने से वो बड़ा नहीं बनता, गुस्सा आने के बाद बड़ा बनता है। ये अच्छी खबर है। सुनो सब, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। देखो कैसे शेन गैंग डर कर भाग रही है। रुको, नहीं, तुम क्या कर रहे हो? ये साबित कर रहा है कि वो तुमसे बेहतर है। हाँ, बेहतर जरूर है, पर उस मॉन्स्टर को बड़ा करवाने में। ऐसे स्लग्स उस मॉन्स्टर को गुस्सा ही दिलाएंगे मैन। अगर उसे काबू करना है तो स्लायर एंड स्लग का गाना उसे सुनाना ही पड़ेगा। स्लग? अब वो स्लग हमें कहाँ मिलेगा? ओ, वहाँ उनका पूरा का पूरा झुंड है मैन, और वो वहाँ सालों से रहते हैं। तुम जाओ, हम उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। इससे वो काबू में आ सकता है। चलो चले। तुम फिल्म तो उतार रही हो ना? हर एक छोटी चीज। मैं चाहता हूँ कि सब देखे कि कैसे हुला गैंग ने इस मॉन्स्टर को रोका और वो इलाय शेन एक मुर्गे की तरह डरकर भाग गया। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। हम फंस गए हैं, बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? क्या मैं अकेले ही इस चीज से निपट रहा हूँ? अपने आप को बचाओ, सब लोग उस स्नैक शैक में चलो। हमें उस लाइरेंस लग को लाना ही होगा। हमारे पास उसे ढूंढने का वक्त नहीं। अगर हमने इन दरारों को नहीं भरा और अगर ये गिर गया तो पूरी गुफा इसमें समा जाएगी। इलाय, तो ऐसा गौरा जी कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए। चलो, मैं गड्ढा खोदता हूँ, पर मुझे मदद चाहिए होंगी ना। तुम सब चुप नहीं रह सकते, कितना बोलते हो, मेरा निशाना बिगड़ रहा है। ये काम नहीं करेगा, तुम सुनते क्यों नहीं? हाँ, सही कहा, मैं तुम जैसे हारे हुए लोगों की बात नहीं मानूंगा। देखा? उन्हें जाने दो, इससे शायद वो उस मॉन्स्टर का ध्यान बटाएंगे। मैं स्लायरिन स्लग को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम लोग बाकी सब संभालो। गाना? हमें जल्द से जल्द मुश्किल रास्ते से ऊपर जाना होगा। ये कितना चिपचिपा है। ओ नो, ए कैमरा वाली लड़की, यहाँ देखो, क्या मैं दिख रहा हूँ? रुको, तुम उसे हमारे और करीब ला रहे हो। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम्हें यहाँ आकर मेरी फिल्म उतारनी होगी। हम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे, है ना? पता नहीं अचानक मैं इतना थक क्यों गया हूँ। शुक्रिया बॉबी, शायद उस गाने की वजह से नींद आ रही थी। स्लाइड एंड स्लग्स, चलो। हे छोटू स्लग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, चलो, अब मैं जाग गया हूँ। और बदकिस्मती से ऐसा लगता है अब इनके नाश्ते का वक्त हो गया है।
हिम्मत है तो अब मेरे पीछे आओ। मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने ये वाली फुटेज ली? बिल्कुल मैक्स जैक्सन जैसे है ना? क्या तुम बड़ा होना बंद करोगे? काश वो एक एक्टर होता तो हम उससे जैसा चाहे वैसा तो करवा सकते। हाँ, अगर हमारे पास एक मूवी डायरेक्टर होता तो। हाँ, हम इस मामले में लकी हैं। मैं करूंगी उसे डायरेक्ट। ये तो बिल्कुल मैक्स जैक्सन जैसा ही था। हाँ, मुझे पता है। मुझे मानना पड़ेगा, तुम नेचुरल एक्टर हो। तुम कैमरा में बहुत आकर्षक दिख रहे हो। एक फिल्म स्टार की सारी क्वालिटीज है तुम्हें। सिवाय सिवाय किसके? कुछ तो है जिससे बात नहीं बन रही। तुम तीनों सिर्फ एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हो। क्या तुमने बैडर देन बैड मूवी देखी है? सिर्फ 15 बार। मैंने 16 बार देखी है। संभल कर। क्या मैक्स को कभी कोई मदद करता है? कभी नहीं। मैक्स जैक्सन हमेशा अकेले लड़ता है। बिल्कुल सही। तुम्हारे दोस्त सारी फुटेज ले रहे हैं। मैं तुम पर फोकस ही नहीं कर पा रही। उनसे कहो कि वो सुरंग को खोदे और दरारों को भर दे। मैक्स जैक्सन बनने का ये अच्छा मौका है। हाँ, मैं स्टार हूँ वो नहीं। ठीक है। ए, मेरी बात सुनो। चश्मेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन दरारों को भरो और तुम हा? वो प्रॉन्टो जो कर रहा है वो करो। एक्टर्स सरासी तारीफ कर लो और उनसे कुछ भी करवा लो। और एक्शन। hey, कमजोर जानवर, तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल हो? कैसा रहेगा अगर तुम ये बर्फ खाओ और सरेंडर करो? तुमने देखा, मैंने उसे बर्फ खाने कहा। मैं कितना फनी हूँ ना। मैं बिल्कुल एक एक्शन हीरो की तरह हूँ। हाँ, लेकिन एक्शन हीरोज हमेशा जीतते हैं। तो बताओ मैं क्या करूँ? रुको, समझ गया। मैं उस पर स्लग से हमला करता हूँ। नहीं, उससे वो और बड़ा हो जाएगा। कैसा रहेगा अगर तुम उसे ना मारो? अगर मैं उसे मारू नहीं तो क्या करूँ? मुझे नहीं पता, मैंने मैक्स जैक्सन को ऐसा करते नहीं देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो एक आर्ट है। एक छोटा सा पॉपकॉर्न बड़े से बड़ा काम करता है। मेरे पास अच्छा आइडिया है। मैं उसे रैमस्टोन स्लग से हरा देता हूँ। नहीं! हम तो गए। ट्रिक्सी! हम बच गए। नहीं, तुमने पहले ही सही कहा था, हम नहीं बच सकते। उसके पास क्लाइंट लग है, शूट करो। नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ ये एक ही है। ठीक है, तो हमें सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ लाना होगा और फिर हम उन सभी को एक साथ शूट कर सकते हैं। हाँ, सही कहा। तो अगर इलाई हीरो है तो फिर मेरे लिए क्या है? तुम यहाँ से बच निकलोगे उतना काफी नहीं है? बिली रुको। भागो, प्रोजेक्शन रूम में चलो। हमें एक नया प्लान बनाना होगा। मैं सभी मॉन्स्टर्स पर स्लाइडर नहीं चला सकता हूँ क्योंकि आधे तो बिली के पीछे दौड़ रहे हैं। मैंने बिली से पहले भी मदद करवाई और अब भी करवा सकती हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये सिर्फ एक 5000 किलो का मॉन्स्टर ही तो है। Yeah.
जो भी करना है जल्दी करो ट्रिक्सी। ए, कमजोर जानवर, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कूल हो? कैसा रहेगा अगर तुम ये बर्फ खाओ और सरेंडर करो? क्या देखा तुमने, मैं जीत गया, मैंने शेन गैंग को हरा दिया। मैं चाहता हूँ कि सब देखे कि हुला गैंग ने मॉन्स्टर्स को कैसे रोका। तुमने वो देखा, मैं जीत गया। जैक्सन भी इससे अच्छा नहीं कर पाता। देखो भैया, मैं कर सकता था लेकिन मैं इससे भी खतरनाक कामों में लगा हुआ था ना, और वो था यहाँ से निकलने का रास्ता। जो ये है, हाँ, ग्लेशियर की दरारें भी भर दी गई हैं, पत्थर की तरह कड़क और मजबूत। हे, और तुम्हारी मूवी भी बड़े पर्दे पर लग गई। हाँ, क्यों नहीं, अब तो हमें एक असली मूवी डायरेक्टर भी मिल गई है। शुक्रिया, पर अगली बार मेरी फिल्म के कलाकार अच्छे होने चाहिए। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे सारे स्लग्स भी, शुक्र है कि सब खत्म हो गया। अभी तक नहीं। चलो भी बिली, सब खत्म हो गया है, हमने मॉन्स्टर्स को शांत कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया, मैं उस पर्दे पर था, तुमने सिर्फ देखने का काम किया। मैंने ही सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मारा, तो वो मैं ही हूँ जिसने सबको बचाया। और जब सब ये फिल्म देखेंगे कि मैंने क्या किया, तब कोई नहीं सोचेगा कि शेन गैंग मेरी गैंग से बेहतर है। तो वो कैमरा मुझे दे दो, नहीं तो मुझे तुम्हें फिर से सबक सिखाना होगा। कोई बात नहीं बिली, बस एक और चीज है जिससे लोगों को पूरी तरह यकीन आ जाएगा। हुला गैंग मॉन्स्टर्स के ऊपर खड़े होकर अपनी जीत का ऐलान करेगी। चलो, शेन गैंग में कोई तो है जो स्मार्ट है। चलो दोस्तों, याद रखना, अच्छे एंगल से शूट करो। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, हर साइड में सिर्फ मैं। रुको, मुझे नींद क्यों? पता है, ये तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा काम था। हाँ, मैं इसे सबको दिखाने के लिए बेताब हूँ जब मैं इसे स्लगनेट पर अपलोड करूंगी। और बैकअप।